कार पाकिस्तान की तमाम पैंतरेबाजी एक बार फिर विफल साबित हुई। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण पर नजर रखने वाले निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने आतंकवाद के वित्त पोषण पर काबू पाने में नाकामी के कारण पाकिस्तान को अगले 4 महीने तक संदिग्ध सूची यानी ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। FATF ने साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वो आतंकवाद समेत 25 सूत्रीय एक्शन प्लान को पूरा नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बैठक में राजनयिक और FATF के सदस्यों ने इस बात पर ध्यान देने को कहा है कि किस तरह पाकिस्तान FATF की तकनीकी प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। FATF ने अपने सदस्यों से पाकिस्तान के तमाम कारोबारी रिश्ते और वित्तीय लेन देन पर नजर रखने को भी कहा है। चीन, मलेशिया और तुर्की की मदद से पाकिस्तान काली सूची में जाने से तो बच गया, लेकिन उसे संदिग्ध सूची से बचने के लिए 13 देशों के समर्थन की दरकार थी जो उसे नहीं मिला। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम यानी तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत के धार्मिक नेता के चयन का अधिकार चीन सरकार के बजाय तिब्बतियों का है। इसका मकसद तिब्बत के समर्थन वाली नीति को मजबूत करना और हिमालय में बौद्ध क्षेत्र के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाना है, जो कई दशकों से चीन के नियंत्रण में रहा है। इस पूरे विषय पर चीन की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका धार्मिक आजादी के नाम पर चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं चीन ने कहा कि अमेरिका ने ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय कानून और रिश्तों के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया है। ब्रिटेन ने नई वीजा व्यवस्था लॉन्च कर दी है। गृह सचिव प्रीति पटेल ने बुधवार को ब्रिटेन की नई पॉइंट आधारित वीजा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत सहित दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अच्छे लोगों को ब्रिटेन आने के लिए आकर्षित करना है। इस नए वीजा सिस्टम का उद्देश्य देश में आने वाले सस्ते कम कुशल श्रमिकों की संख्या में कटौती करना है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से पिछले महीने बाहर निकलने के बाद संक्रमण काल की समाप्ति पर नई प्रणाली 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। ग्लोबल टैलेंट स्कीम शुक्रवार से परिचालन में आने वाला फास्ट ट्रैक वीजा अगले साल से यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए भी लागू होगा, जो अत्यधिक कुशल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नौकरी की पेशकश के बिना ब्रिटेन आने की अनुमति देगा। जर्मनी के हनाऊ शहर में बुधवार को रात गोलीबारी की 2 घटनाएं हुई, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में 5 लोग घायल भी हुए हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक बताई गई है। जर्मन पुलिस ने बताया कि देश के पश्चिमी भाग में स्थित हनाऊ शहर में गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। पुलिस के अनुसार हमलावर जर्मन नागरिक था और उसने नस्लभेदी कारणों से गोलीबारी की है। हमलावर ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है कि कुछ समुदायों को खत्म करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब वो जर्मनी से वापस नहीं जाएंगे। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को रात 10 बजे हुई। हनाऊ के पास केसलताद इलाके में भी गोलीबारी हुई है। पुलिस तलाशी अभियान के तहत जब हमलावर के घर पहुंची तो उसे वहां उसका शव मिला। घर में उसकी मां का भी शव था। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने अपने आप को गोली मारने से पहले अपनी मां की भी हत्या कर दी थी। और अब आखिर में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की हमारी छोटी सी कोशिश, आइए आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। लंदन में आयोजित 2020 ब्रिट अवार्ड्स एरिना में कलाकारों के बीच वितरित किए गए। ब्रिटिश कॉमेडियन जैक व्हाइटहॉल ने हैरी स्टाइल्स, बिली इलिश, लुइस कैपेलडी जैसे कलाकारों को होस्ट किया। इंटरनेशनल फीमेल का अवार्ड बिली इलिश को मिला। बिली ने एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। बिली इलिश को हाल ही में हुए ग्रैमी अवार्ड्स 2020 में 5 अवार्ड्स मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्कर 2020 में भी परफॉर्म किया। बिली 2016 में अपने गाने ओशन आइज से मशहूर हुई। लुइस कैपेलडी के समवन यू लव्ड को सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला।
फ्रांस में कार्निवाल का आयोजन हुआ जिसमें लोग झूमते गाते नजर आए। विशालकाय पुतलों की परेड इस कार्निवाल का आकर्षण केंद्र बनी। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्निवाल का इस बार का विषय फैशन का राजा था। इस कार्निवाल में जहां लोग झूमते नजर आए, वहीं कुछ लोग इन लम्हों को कैमरे में कैद करते नजर आए। पिछले साल कार्निवाल ने 2 लाख से ज्यादा दर्शकों को अपनी परेड और वार्षिक फूलों की लड़ाई के साथ आकर्षित किया था। जापान में हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को नेकेड फेस्टिवल का आयोजन साइदाइजी कन्नोनिन मंदिर में किया जाता है। इस फेस्टिवल में बर्फ जैसा ठंडा पानी और उसमें लगभग न के बराबर कपड़े पहने हजारों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। इस अनोखे बाथ का आयोजन जापान के होनशू आइलैंड में हुआ था। इस परंपरा का मकसद युवा पीढ़ी में खेती के प्रति रुचि जगाना है। इस कार्यक्रम में पुरुष मंदिर के चारों ओर दौड़ते हैं और खुद को बर्फ के ठंडे पानी से शुद्ध करते हैं। इसके बाद वो मंदिर के मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर सभी को 2 लकी स्टिक खोजनी होती है, जिसे मंदिर के पुजारी 100 अन्य बंडल्स के साथ फेंकते हैं। ये स्टिक्स खोजने के दौरान लोग घायल भी हो जाते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे वायरस से संक्रमित लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस नाच गाने का मुख्य उद्देश्य वायरस से संक्रमित लोगों के मन से भय को दूर करना है। और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि आप जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक कोई भी दवा आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर सकती।